मैडम आज एक बड़ी उपलब्धि है और आगे का अभी सफर बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि आज 5 सितंबर के उपलक्ष्य में जो लखनऊ में राज्य पुरस्कार 2017 से मुझे सम्मानित किया गया, उससे वो केवल एक पुरस्कार नहीं है सर, वो बच्चों का पुरस्कार है जो मेरे विद्यालय में था, उनके लिए उनकी जीत है। और सर, मेरे शिक्षक साथी जो मुझ पर विश्वास रखते थे, उन्होंने मुझे खुश करा, ये उनके लिए पुरस्कार है। मेरे जो जिला लेवल पे जो मेरे अधिकारी वर्ग हैं, उन्होंने जो मेरे पर विश्वास जताया, ये उनका पुरस्कार है। और ये हर भरोसे का पुरस्कार है, ये हर कार्य का जो मैंने कार्य किया आज, उसके लिए पुरस्कार है। लेकिन मैं सभी का जो है यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करना जरूर चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि सबके जो है शुभकामनाओं के परिणाम स्वरूप मुझे ये राज्य पुरस्कार मिला है। और इसके साथ ही मेरे लिए लक्ष्य और ऊपर हो गया है, क्योंकि ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये जो है वो मेरे कार्य की, मेरी फील्ड की एक शुरुआत है। क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप अगर काम कर रहे हैं और आपके कार्य को एक पहचान मिल रही है, एक सराहना मिल रही है, तो इससे पूरे बरेली परिवार को बधाई, शुक्रिया, हम सबका पुरस्कार है। और नीता जी पिछले 12 सालों से हमारे डाइट से निरंतर जुड़ी हुई है, वो सिर्फ अच्छी प्रशिक्षक ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही लगनशील और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका है। और उनकी ये जिज्ञासा है कि वो विपरीत परिस्थिति में काम करती हैं, और उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर मान करके न सिर्फ अपने विद्यालय को, लेकिन काफ़ी सारे शिक्षकों को प्रेरणा दे करके आगे बढ़ा। वो पिछले 4 साल पहले जब हम लोगों से किसी एक प्रोजेक्ट में आई थी, तो अकेली शिक्षिका थी लखौरा, और ऐसी स्थिति से उस विद्यालय को कई सारे चैलेंज फेस करते हुए आज इस स्थिति पर लाना, कि आप मीडिया वाले भी सभी जगह कॉन्वेंट फेल हो रहे हैं, इसके आगे लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके वहाँ पर आ रहे हैं और गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पर आगे पढ़ रहे हैं, पूरा समुदाय उनके साथ खड़ा है। ये अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है, और गीता जोशी का जितना प्रयास है, उस प्रयास के लिए ये सम्मान मिलना हम सबके लिए सम्मान है। आज हम सभी बहुत ही खुश हैं, और पूरा डाइट परिवार और पूरा शिक्षा परिवार बहुत हर्ष का विषय मानते हैं कि हमें अवसर मिला, और नेताजी की बदौलत ही अवसर मिला कि आज अवसर मिला।